नमस्ते, आदाब, सत श्री अकाल, गुड इवनिंग। मैं आपका दोस्त करण किशोर फिर आपके बीच एक बार मौजूद हूँ। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि कोरोना की वजह से बहुत से फाइनेंशियल लॉस सभी को हुए हैं, और इस वजह से आजकल संगीत वाले प्रोग्राम जो हम लोग करते थे उस पर भी काफ़ी फ़र्क पड़ा है, जिसके कारण मैं आपके बीच में नहीं आ पाया फेसबुक पर या यूट्यूब पर। लेकिन मैंने भी अपना ये यूट्यूब चैनल एक आज शुरुआत की है, एक नई पहल की है। मेरा इस चैनल को बनाने का मतलब कोई उद्देश्य ये नहीं है कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइबर बनाऊँ या आपके शेयर या लाइक मिलें। बस मैं ये चाहता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को मैं एंटरटेन कर पाऊँ। और जो वैसे तो मैं सिंगर हूँ नहीं, कोई ट्रेंड सिंगर नहीं हूँ, मैंने कभी सिंगिंग सीखी नहीं, पर बचपन से ही मैं एक आवाज़ है जिसका मैं दीवाना हूँ। बचपन में मैंने एक आवाज़ सुनी थी, उसके बाद मुझे कोई आवाज़ पसंद ही नहीं आई, और उस बेहतरीन आवाज़ का नाम है हमारे किशोरदा, प्यारे किशोरदा। और मैं इस चैनल पर जो भी वीडियो बनाऊँगा आगे से, वो सारे चाहे मैं गाऊँ किसी भी सिंगर के लिए, लेकिन वो सारे मैं किशोरदा को ट्रिब्यूट करूँगा। और मैं चाहता हूँ कि जो किशोरदा को जो प्यार करने वाले हैं मेरे भाई, जितने भी लिस्टर हैं हमारे, सब वो सुने, ज़्यादा से ज़्यादा इसे शेयर करें। और मेरी कोशिश रहेगी कि मैं आपके लिए हर रात 9 बजे एक प्यारा सा गीत लेकर आऊँगा। 90% गीत मैं किशोरदा के गाने की कोशिश करूँगा, क्योंकि मैं किशोरदा के गाने सुनना और गाना, मुझे उन्हीं के गाने अच्छे लगते हैं। मैं ये नहीं कहूँगा कि किशोरदा के अलावा कोई और अच्छा सिंगर नहीं है, लेकिन मुझे उनके अलावा किसी के गाने पर अच्छे नहीं लगते। ये मेरी अपनी पर्सनल राय है, कोई किसी का दिल ना टूटे इस बात से, क्योंकि मुझे इस यूनिवर्स में उससे अच्छी आवाज़ कोई आज तक सुनी नहीं है मैंने, उसके बाद ये कोई दूसरी आवाज़। तो इसलिए मैं गाऊँगा सारे गाने किशोरदा के, उसके अलावा और भी कुछ अच्छे गाने हैं, मैं वो भी आपके बीच लाता रहूँगा। और आपकी फरमाइशें भी मैं पूरी कोशिश करूँगा कि आपकी फरमाइशें भी पूरी करता रहूँ। तो मेरे इस चैनल का नाम है इमॉर्टल किशोर, यानी कि जो कभी ना मिटने वाली आवाज़, वो आवाज़ जो अपने वक्त से मेरा ख्याल है शायद बहुत आगे थी, शायद अभी तक भी हम उन गानों को पसंद कर रहे हैं, उनको सुन रहे हैं। आज देखो सिंगर आते हैं, 1 साल के बाद उनकी आवाज़, उनके गानों को कोई सुनने को मतलब कोई क्रेज नहीं रहता, लेकिन वो लोग इस दुनिया को छोड़ गए, अलविदा कर गए, और 50 साल पहले उनके गाने रिकॉर्ड हुए थे, लेकिन आज भी उनको हम सुनते हैं तो हमारे कानों में कितने प्रिय लगते हैं वो गाने। तो कुछ ना कुछ तो रहा ही होगा उन गानों में, उन म्यूज़िक डायरेक्टर्स में, उन बोलों में, उस आवाज़ में। तो मेरी यही कोशिश रहेगी कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे अच्छे गाने आप अपने लिसनर्स को सुनाऊँ, और मैं अपना प्यार आपको पहुँचाऊँ, आपका प्यार मेरे पास पहुँचे। तो दोस्तों, आज की शुरुआत करते हैं एक बहुत ही बेहतरीन गीत से, और मैं आपसे ये प्रार्थना करता हूँ कि आप मुझे अपना आशीर्वाद दें, मेरी जो पहल है आपसे जुड़ने की, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ जुड़ने की, क्योंकि मुझे कोई स्टेज नहीं मिल पा रहा है अभी। हालांकि मैंने कोई सिंगिंग नहीं सीखी थी कभी बचपन से, जैसा मैंने अभी आपको बताया, लेकिन जैसे जैसे मैं लोगों के साथ जुड़ता चला गया, सिंगिंग मेरा शौक़ बन गया। तो हमारे एक मित्र थे, वो मुझे मिले, उन्होंने मुझे स्टेज दी, उन्होंने मुझे गाने का थोड़ा बहुत जो भी जितना उनको आता था उन्होंने मुझे सिखाया। उसके बाद मुझे और भी मेरे दोस्त मिले, उन्होंने भी मुझे बहुत कुछ सिखाया, उन्होंने मुझे काम सिखाया, गाना सिखाया, स्टेज दी, फिर पैसा भी देना शुरू किया। उसके बाद फिर मैंने अपना एक ग्रुप तैयार किया जो आप पीछे देख रहे हैं, मेरे द गोल्डन वॉइस के नाम से, इस नाम से मेरा फेसबुक पे चैनल भी है करम सिंगर के नाम से, और मैंने यूट्यूब पे भी ये सब अपना डाल रखा है, जो भी मेरा ये प्रोफाइल बना रखी है मैंने पूरी, और ये मैं सर्विस सभी देता हूँ, जो भी आपको मैं आगे भी बताता रहूँगा इसके बारे में, क्योंकि फ़िलहाल फाइनेंशियल लॉस से जूझ रही है सारी कंट्री। तो आप समझ सकते हैं, हमारे पास भी, हम इंटरटेनर हैं तो इतना काम नहीं मिल पा रहा है, लेकिन क्योंकि एक कीड़ा है ना गाने का, वो जाता नहीं है, तो आपसे जुड़ने का मौका मिलता रहेगा, इसलिए मैंने ये पहल की है। तो मैं कोशिश करूँगा कि आपको रोज़ रात को 9:30 और 9 के बीच में एक गाना अपलोड ज़रूर करूँगा, किशोरदा की आवाज़, किशोरदा के बोल और मेरी आवाज़ में। और थैंक यू वेरी मच दोस्तों, मुझे सराहते रहें, आपका प्यार मिलता रहे। आई लव यू।